अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, अपनी अपनी सहरियाँ अफ्तारियाँ इंजॉय कर रहे होंगे और अपने रमज़ान की बरकतें समेट रहे होंगे ना। अच्छा जी, यहाँ पे है जी शाम का क्लिप है जब हम लोग फुजेरा से वापस आए थे। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो फुजेरा से वापस आके बिल्कुल थकावट हुई हुई थी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये एक काम मैं कम से कम रात को ही करके रख लेती हूँ ना। अगले दिन दावत है, आज का पूरा व्लॉग इंशाल्लाह ये दावत व्लॉग होगा। तो जी रात को ही मैंने ना ये बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए ना चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था ना। मैंने इसमें डाला है लीमू, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, चारों मसाले डाले हैं, मतलब नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और बारबेक्यू, ये जो वो डाला था तिक्का मसाला डाला था और साथ में चिकन तंदूरी मसाला डाला था, और इसमें दही डाल के ना मैं इसे मिक्स करके रात को ही मैरिनेट करके रख दूँगी ना। क्योंकि कुछ भी है चिकन को या मटन को रात को मैरिनेट करने से चिकन में बहुत ज़्यादा सारा टेस्ट आ जाता है ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो जरदा रंग है ना वो इसमें कल ऐड करूँगी, अभी नहीं ऐड करूँगी, ये सिर्फ मैंने इसमें लास्ट में ना कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी ना। अच्छा जी, अगले दिन सहरी वगैरह कर ली थी, नॉर्मल सादी सी बिल्कुल हम लोगों ने सहरी की थी, जो भी अवेलेबल था घर में। हम लोग पराठा अंडा ही खाते हैं जब सालन वगैरह नहीं हो कुछ भी ना, तो ये टू जेलीज मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने सहरी के वक्त ही बना के रख दी थी ताकि मैं जब भी उठूँ ना तो ये रेडी हुई हुई हो ना। बच्चे अभी सो रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के आ जाती हूँ, बच्चों के उठने से पहले जो जो काम हो सकते हैं, चिकन बॉयल करने रख दिया, आलू बॉयल करने रख दिया, खजूरें बनाने लगी थी और उसके बाद मैं चिकन बनने रख दूँगी। मतलब इस तरह के आके छोटे मोटे काम कर लिए हैं, जो जो से भी कुछ वो करने वाले काम थे ना, सोख करने वाले काम थे, ये वाले सारे कर लिए। कटिंग कोशिश करती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले अभी कर लूँ, वेजिटेबल्स वगैरह सब निकालती हूँ, आलू प्याज निकालती हूँ, तो बस ये कि वो दोनों चूल्हे अभी फिलहाल बिजी हैं, स्टोव बिजी है, जैसे कोई एक स्टोव फारिग होता है ना तो मैं फिर चिकन भी रख देती हूँ, बस फ्रूट्स भी कटिंग कर लूँगी अभी। मैं सोचती हूँ बच्चों के उठने से पहले जितना ज़्यादा काम हो सकता है ना वो कर लूँ। तो यहाँ पे मैं खजूरों को डीसीड कर लूँगी और इसके अंदर मैं दो बादाम रखूँगी और सिर्फ क्रीम लगा के ना और इसको रेडी करके रख दूँगी ना। आप सिंपल क्रीम भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की खजूर लगती है, मतलब ये जब भी घर में बनती है ना मुझे इसके साथ रोज़ा इफ्तार करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। यहाँ पर बस सारे बाकी काम शाम हो रहे थे अपने साथ साथ, कोशिश कर रही थी बच्चों के उठने से पहले कर लूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना फिर भी आपकी तवज्जो बाहर हो जाती है, और जाहिर है बच्चों ने उठ जाना था तो आधा घंटा पौना घंटा तो उन्होंने नाश्ते में लगा देना था ना। यहाँ पर ज़्यादा रंग डाल के ये भी रख दूँगी, बस वही बता रही हूँ कि जो जो पकने वाले काम थे ना कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से हो जाए ना यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट काम मैंने क्या किया है कि जितने भी प्याज थे या जितने भी वेजिस वगैरह थी ना थोड़ी बहुत कट कर ली थी, ये मैंने कट की थी दही भल्लों के लिए नहीं, बस दही भल्ली बनाई थी मैंने, तो उसके लिए ना मैंने बर्फ़ डाल के ना ये इस तरह प्याज लच्छा लच्छा काट के रख दिया था, तो इतना प्यारा ये क्रिस्पी सा हो जाता है ना जब आप इसको दही के ऊपर डालेंगे ना। यहाँ पे मैं अपने पिन व्हील्स बनाने के लिए भी डो रेडी करके रख लूँगी, तो मैंने लिया था 2 कप मैदा, इसमें डाला था नमक, ज़ीरा और मैंने 3 टेबलस्पून लिया था घी। घी है ना वो थोड़ा सा मैंने मेल्ट करके डाला था, ठीक है, मेल्ट करके डाल के सब चीज़ों को मिक्स करके और पानी के साथ मैंने अब थोड़ा सा इसको ना हार्ड आपने इसको नीट करना है ना, और नीट करके इसको रख दिया था 30 मिनट के लिए, रख दें जितने भी मिनट के लिए रख देना। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी लब्बे खास, मैं इनको ना कपों में मतलब सर्व करूँगी, कप कह लें आप उसे या 1 सर्विंग कह लें, इस तरह करके इसको सर्व करूँगी ना। यहाँ पर मैंने लिया था 1 लीटर दूध, इसमें डाला था 2 टेबलस्पून मैंने मैदा और 2 टेबलस्पून मैंने लिया था इसमें कॉर्नफ्लोर, ठीक है। आज बड़ी जल्दी जल्दी से सब रेसिपीज़ बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम लूँ व्लॉग के अंदर, अभी भी मैंने मैक्सिमम इसको कोशिश करके कि कम से कम मैं आप लोगों का टाइम ले सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूँ ना। अच्छा जी, उसको हम लोगों ने गाढ़ा कर लेना है कस्टर्ड की तरह ना बिल्कुल, और चीनी डाल लेनी है, चीनी अपनी पसंद के मुताबिक डालें, और मैं इन पर डालने के लिए ना व्हिप्ड क्रीम यूज़ करूँगी। खजूरें लिए, किशमिश लिए, अखरोट लिए, बादाम लिए, इसके अलावा भी आप जो मर्जी अपनी मर्जी का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये है क्रीम है वो मैंने व्हिप्ड कर लिए, और ये 2 तरह के जेलीज बनाएंगे, एक रेड वाली है और एक येलो वाली है, ठीक है। बस अब इसकी सेटिंग शुरू करते हैं ना। यहाँ पे शुक्र ये उठ के आ गए थे, इस टाइम तक बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था तो ये मेरी हेल्प करवाने के लिए किचन में आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बना बना के इनको पकड़ा दिया था। मैंने कहा कि चलें आप ये सेट कर दें, इस दरमियान में मैं बाकी अपने मतलब जो इतने भी चूल्हे पे कोई काम हो रहा था, ये कटिंग वगैरह हो रही थी, बल्कि मुझे तो लगता है और कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ बर्तन ही धुल रहे थे, इतने बर्तन, मुझे समझ नहीं आती बर्तन आते कहाँ से हैं जिस दिन किचन में ज़्यादा काम हो रहा हो ना, मतलब हर थोड़ी देर बाद मैं अपना सिंक खाली कर रही थी, मैं बर्तन ही धो रही थी ना। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैंने नीचे डाला
डाला था जी लबे खास, उसके बाद मैंने जितना भी ड्राई फ्रूट था वो डाला था, उसके ऊपर मैंने डाला था जी जेली और ऊपर मैंने डाली थी व्हिप्ड क्रीम, एंड पे मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी थी ना। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे सब कुछ इनको रेडी करके दे दिया था, दही बना के दे दी थी कि आप इसको सेट कर देना, तो इन्होंने जल्दी से यहाँ पे सेट करे था। प्याज डाल दिया था, धनिया डाल दिया था, और वो बाद में डालूंगी मैं मीठी चटनी। यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पे लिया मैंने चिकन, शेड कर लिया नमक डाल के, और मैंने लहसुन डाल के इसको बॉईल कर लिया था। आलू है बॉईल किया, मैं बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया, और यहाँ पे है जी बंद गोभी, साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी प्याज थोड़ा सा। डाल देंगे धनिया, एक लीमू का रस पूरा, बच्चे हैं क्योंकि साथ में, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल रही हूँ। साथ में डालूंगी नमक, काली मिर्चे और कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें काली मिर्च का ही टेस्ट आएगा ज्यादा। दो चम्मच में भर के डालेंगे, यहाँ पे साथ ही पिन मिल की फिलिंग बना के रख लेती हूँ। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ धनिया, धनिया ना मैंने इकट्ठा काट के रखा हुआ ताकि दो तीन जगहों पे यूज हो जाए, ठीक है। प्याज थोड़ा सा, पुदीना, सूख मिर्च, नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, और यह है जीरा और सूखा धनिया, ठीक है। थोड़ा सा दर दर करके मैंने उसको पीसा हुआ है, इसके तो सिंपल से इंग्रेडिएंट है। और जी यहाँ पे चूंकि पिन व्हील्स की डो भी बन गई थी, और जो लॉलीपॉप्स हैं चिकन लॉलीपॉप्स हैं उनकी डो भी बन गई थी, तो मैंने कि पिन व्हील्स भी रेडी करके रख देती हूँ इस बजाय इसके कि बिल्कुल एंड पे रेडी करूँ ना। तो यह पिन व्हील्स भी मैंने यहाँ पे बना के रख दिए थे इस तरह। ये एक मैंने आप लोगों को रोल दिखाया, लेकिन मैंने इस तरह के दो रोल बनाए थे, तो दो रोल में माशाल्लाह काफ़ी सारे बन गए थे ना, तो दो कप में अच्छे खासे आपके बन जाएंगे पिन व्हील्स ना। तो इस तरह रेडी करके इनको भी रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती की थी कि मैंने इनको थोड़ा जोड़ जोड़ के रख दिया था, मुझे लगा नहीं था कि ये साथ में चिपक जाएंगे, तो मुझे इनको थोड़ी सी मुश्किल हुई थी अलग करने में ना। तो ये कि क्योंकि किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा सारी हो जाती है जब आप इस तरह के कोई काम कर रहे हो, खासतौर पे दावत का कोई काम कर रहा हो तो किचन में गर्मी हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से इस तरह के सारे काम होते हैं। और फ्रिज में आप बार बार इस तरह की चीज़ें रख नहीं सकते, क्योंकि फ्रिज में तो खुद बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ना। तो जी अच्छा, यहाँ पर लॉलीपॉप भी बना लिए थे, और जी थैंक यू सो मच, मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बना के दिखाई है। चिकन लॉलीपॉप मैंने सिर्फ एक बना के दिखाया, बाकी सब इन्होंने बना लिए थे, मुझे बहुत हेल्प हो गई थी ना इसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पर मैं जो फ्राइड सैंडविच बनाने हैं ना, मैंने व्हाइट सॉस के साथ, चिकन व्हाइट सॉस के साथ बनाना है, और ये फ्राइड सैंडविच में मैं यूज़ करूँगी ना, तो उसकी तैयारी कर ली है। सबसे पहले मैंने बटर लिया था, उसमें डाला था मैंने प्याज, थोड़ा सा सौते करके चिकन डाल दिया था, चिकन थोड़ा सा सौते करके इसके अंदर मैंने डाला है जी ओरिगानो, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, सिर्फ मैंने चार किस्म के वो मतलब इंग्रीडियंट डाले हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर दूध डाल के ना थोड़ा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मतलब क्या कैसे व्हाइट सॉस से बना लूँगी ना। हाँ, मैंने इसके अंदर एक चम्मच मैदा डाला था, ठीक है, मैदे की वजह से ये व्हाइट सॉस से बन जाएगी, और बस इस तरह दूध को थोड़ा सा ड्राई करके पक जाए वो इसके अंदर, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डालती थी ना। अच्छा, मैं इसके अंदर चीज़ इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर जब मैं सैंडविच बनाऊँगी तो उसके ऊपर चीज़ रखूँगी, वरना आप चाहें तो इसके ऊपर इसी वक्त में भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला ऐड कर लें या चेडर ऐड कर लें, लेकिन मैं चीज़ स्लाइस रखूँगी सैंडविच के ऊपर। और जी यहाँ पे मैंने चॉकलेट पफ बनाने की तैयारी कर ली है। मैंने पफ पेस्ट्री ली थी, ओबियसली रेडीमेड ली थी, और उनको टू पीस में कट कर लिया था मैंने। इस तरह मैंने एक चॉकलेट का पीस रखा और साइडों से उसके कॉर्नर्स को मैंने फोक के साथ में बाइंड कर दिया, और इसके ऊपर मैं सिर्फ एग लगाऊंगी। ये बिल्कुल सिंपल से बनेंगे, और ये कि बस एग लगाऊंगी और इसको ओवन में मैं बेक होने के लिए रख दूंगी ना। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं जब चॉकलेट खास तो फिर गरम गरम, खैर मुझे लगता है कि गरम गरम बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि चॉकलेट उस वक्त अंदर मेल्ट हुई हुई होती है ना। साथ ही यहाँ पे हमने जो फ्रूट चाट बनाया ना वो भी तैयार करके रख देंगे। तो मैंने सारे फ्रूट्स ले लिए थे, इसमें मैंने डाला था दो ऑरेंज जूस, और साथ में चीनी डाली है, नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, और ये थोड़ा सा मैंने पुदीना फ्रेशनेस के लिए डाला है। बहुत ही मज़े का लगता है, फुल मतलब मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा चीनी। ओके जी, बगैर किसी कटिंग के आपको दिखा दूँ जो इस वक्त लाइव मेरे किचन की सिचुएशन हो रही है, ठीक है। ये बन गए हैं, थैंक यू सो मच, आसिम ने बहुत हेल्प करवाई है, ये उन्होंने शेप दिया इनको ना। और ये देखेंगे बन गए, बाकी गए मैं फ्रिज में, ये है चॉकलेट पफ ना, कुछ बन गए। अब मैं करने वाली हूँ कि किचन पहले साफ करूँगी, ठीक है। काफ़ी काम हो गए हैं, देखिए ये उसके बना के लिए रखा हुआ है, सैंडविच के लिए बना के रखा हुआ है,
और देखिए बस इस तरह की हालत हो रही है किचन की। तो पहले सोच रही हूँ कि किचन समेट लेती हूँ और फिर डन कर देती हूँ कि क्या क्या डन हो गया और क्या क्या रहता है। और उसका टाइम क्या हो रहा है? उसका टाइम हो रहा है 4:20 है। और बाहर की भी सफाई कर देते हैं, बच्चों को भी रेडी कर देते हैं। आए बच्चे आओ, पहले बच्चों को रेडी कर देती हूँ। ओके बच्चों, मामी बहुत ही मज़े के बने माशाल्लाह। अब इसमें मैंने आइसक्रीम शुगर डालनी है, लेकिन जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना फिर डालूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। एक ये आ गया, ये जैसे कि ये सब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, ये भी फ्रूट चाट पे डालने हैं, अभी नहीं डाले फ्रूट चाट पे, ये बिल्कुल ठंडे हो गए, हम आइसिंग डाल सकती हैं इनके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान की सेटिंग इस तरह की है, ज़्यादा ज़्यादा काम कर लिए, बस अब दोबारा से बच्चों को तैयार कर दिया, खुद तैयार हो गई, घर साफ़ सुथरा हो गया, अब बस दोबारा से जाने लगी हूँ किचन में, क्योंकि एक अब सब कुछ फ्राई करने वाला है और सब कुछ संभल करने वाला है, और एक एक फैमिली की इफ्तारी है ना वो पहले जानी है तकरीबन, मतलब मेरा तो खैर अंदाजा था कि 5:30 तक चली जाएगी, लेकिन खैर मेरी भी खैर 6:45 तक चली जाए, क्योंकि वो फैमिली आ नहीं पाई, तो हमने कहा कि नहीं हम आपको घर ही इफ्तारी पहुँचा देंगे। तो बस ठीक है इंशाल्लाह अपने लास्ट काम पूरे करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने सब कुछ फ्राई वगैरह करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये रमज़ान मेरा फर्स्ट रमज़ान है जब मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर रही हूँ या प्रॉपर एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि पिछले रमज़ान में भी मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी ना, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि नॉर्मल रूटीन में तो मैं सब काम कर पा रही हूँ, लेकिन दावत वाले दिन मुझे लिटरली थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि काम थोड़े ज़्यादा होते हैं और उनको प्रॉपरली उनको शूट करना और बाबा कैमरा इधर उधर रखना थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे 2-4 दावतें और करनी पड़ेंगी अपने आप को थोड़ा प्रो करने के लिए ना, क्योंकि ये कि एंड वाले टाइम पे कैमरा भी मैनेज करना और छोटे मोटे सारे काम भी मैनेज करना लिटरली मुझे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट प्रैक्टिस मेक वुमेन परफेक्ट, इंशाल्लाह 2-4 दावतें करके ये भी मैनेज हो जाएगा मुझसे ना इंशाल्लाह, खासतौर पे इफ्तारी की दावतें करके ना। तो जी यहाँ पे लग गया जी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान सब कुछ हो गया था रेडी। अच्छा सब चीज़ों को मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई किया था, जो मैंने आपको फ्राइड सैंडविच दिखाया था इस पर देखिए मैंने सारा मिक्सचर लगा के ब्रेड का स्लाइस रखा था और इसके किनारे मैंने कट कर दिए थे, ठीक है इसके किनारे कट करके इसको भी मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के फ्राई कर लिया था। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले सैंडविचेज़, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दस्तरखान हो गया था रेडी और ये मैं छोटी मोटी आप लोगों को डिशेज दिखा रही हूँ। जिसका घर की हालत माशाल्लाह मेहमान चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जी बस सफाइयाँ सफाइयाँ शुरू करते हैं, सब कुछ बचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सब क्या हो रही है घर की हालत। चले जी बस जल्दी से शुरू करते हैं, और एक भाई भी आ रहे हैं सुबह सैरी वो हमारे साथ ही करेंगे जी जानी। अरे भाई टॉयज नहीं थ्रो करो, चल जल्दी से टॉयज उठाएं, शाबाश। चलें जी शुरू करते हैं घर की सफाई। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ईदी आई है मेरी फ्रेंड की तरफ से मेरी। ये भी हैं बच्चों के कपड़े भी हैं जो मैंने अभी तक नहीं खोले, लेकिन एक ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फूड बास्केट है, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी ना, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी तक खोला नहीं है, अभी तक ओपन नहीं किया है, माविया बहुत कोशिश कर रहा था, देखें ये माविया के काम है। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा वेट करो 2 मिनट मैं एक पिक्चर ले लूँ, फिर आप बना ले लेना इसमें से जो भी फ्रूट आपको चाहिए होगा। तो डोनट्स खा रहे हैं मेरे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गए। ये देखिए इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 11:30 और जी ये अभी एक भाई आ रहे हैं वो उन्होंने खाना खाना है तो उनके लिए रखा हुआ है सब कुछ। और जी यहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ सुकून, मैं लूँगी एक डोनट, मेहमान लेके आए थे थैंक यू सो मच, और गमी वाला लेके चले गए। और मैं अपनी चाय पीऊँगी और मैं एक डोनट लूँगी अभी, मैं मुझे सिर्फ ये खाना है और मुझे कुछ नहीं खाना और चाय पीनी है बस। आने वाले हैं जिनमें भाई ने आना थोड़ी देर तक, वो भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, फिर वो खाना शाना खाएँगे फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ज़ाहिर फाइनल किचन की हर चीज़ तो मतलब यही रह गया, सिर्फ ये सब कुछ बस भी सेट कर दूँगी इंशाल्लाह ना।